होंगे। तो अगर आप भी मेरी तरीके से हिमालयन चलाते हैं या कोई भी ऑफ रोडिंग बाइक चलाते हैं तो आपने भी वो प्रॉब्लम हमेशा फेस करी होगी जो मैं फेस करता हूं, जो कि है हिमालयन के पीछे वाले टायर से मड उछल के अपने लगेज पे लगना या अपनी बैग पे लगना, या कीचड़ पानी या रेनी सीजन में अगर हम बाइक चलाते हैं तो सारा पानी अपने ऊपर या अपने पीछे पिलियन राइडर पे आता है। तो इस प्रॉब्लम का मैं सलूशन लेके आ चुका हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी तब मुझे एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट मिला जो कि बहुत ही नेसेसरी और बहुत ही ज़रूरी है उन सभी भाइयों के लिए जो ऑफ रोडिंग बाइक चलाते हैं। क्योंकि जैसा कि आपने देख रखा होगा मेरी लद्दाख सीरीज में कि मैंने बहुत सारी रिवर क्रॉसिंग करी और पानी में भी चलाया और बारिश के सीज़न भी मुझे मिला, बारिश भी मिली, बारिश में भी चलाया, जिसके कारण से मेरा लगेज और मेरा जो जैकेट था, राइडिंग गियर जो थे, वो सारे बैग से गंदे हो गए थे। क्योंकि हिमालयन का जो बैक रियर टायर है यानी जो रियर व्हील है वो चेसी से थोड़ा सा बैक में, जिसके कारण से, और उसमें ऑफ रोडिंग टायर भी लगे हुए हैं जिसके कारण से जितनी भी मिट्टी है और जितना भी पानी है वो उछल के पीछे बैक पे लगते ही लगता है। तो उसके लिए कंपनी ने कोई भी ऐसा मडगार्ड नहीं दे रखा है जो नीचे उस पानी को या मिट्टी को रोक सके। तो इसके लिए एक कस्टम मडगार्ड आता है जो कि यूनिवर्सल है, हर किसी की बाइक में लग सकता है, बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो मैं चलिए आपको वो प्रोडक्ट दिखाता हूँ। तो प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस तरीके का है। ये है कस्टम मेड मडगार्ड जो कि इस तरीके की पूरी फिटिंग्स में आता है और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी और काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्ट है। इसमें दो रिफ्लेक्टर मिलते हैं और साथ में ये इसके कुछ क्लैंप मिलते हैं जो कि फिटिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इसको चलिए अपनी बाइक पे इंस्टॉल करते हैं। साथ ही साथ में मैंने इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करा अपना खुद से, जो कि ये वाला जो रिफ्लेक्टर है इसमें मैंने लाइट फिट करी है और जिसकी वायरिंग मैंने कुछ इस तरीके से निकाल के रखी है। तो जब मैं इसको फिट कर दूंगा और इसको इंस्टॉल कर दूंगा तो वो मैं आपको फिर दिखाता हूँ। तो चलिए इसको फिट करते हैं और इसका रिस्पॉन्स देखते हैं, बाकी मैं आपको दिखाऊँगा इंस्टॉलेशन के बाद। तो आप देख करके खुद बताइए कि ये कैसा लग रहा है और यूज़फुल प्रोडक्ट है या नहीं है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा। इंस्टाग्राम आईडी मेरी नीचे लिखकर आ रही होगी। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। सो गाइस, अपने को ये क्लैंप लगाने के लिए ये वाले बोल्ट को खोलना है और ये क्लैंप कुछ इस तरीके से लग जाएगा। सो गाइस, ये अपना मडगार्ड लग चुका है बाइक पे और कुछ इस तरीके की लुक आ रही है, ये आप देख सकते हैं। और इसकी जो फिटिंग है वो कुछ इस तरीके से देखी हुई है, यहाँ से प्रॉपर। और जो मैंने इसमें अपनी लाइट फिट करी है जो इस जगह पे, तो वो भी मैं आपको जला करके दिखाता हूँ। सो कुछ इस तरीके का देखिए, यहाँ पे ब्लिंकर कर रही है। तो देखिए ये जो मिट्टी लगी हुई है ये इसके ना रहने से, अब ये लग चुका है तो मिट्टी अब वहाँ पर नहीं पहुँचेगी।